जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोह तम पुंज जसु बचन रवि करनी कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी हरिओम हरिओम। तो कल आप लोग देखे कि सर्वप्रथम तो यह आवश्यक है कि जो शरीरधारी श्री रामचरितमानस का वर्णन करे जिसे रघुवर विमल यश कहते हैं उसके मन के दर्पण पर एक भी मैल नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा शरीर जिसके चित्त में स्वतः के लिए कोई इच्छा लोभ काम क्रोध घमंड जलन ममता मोह कपट दम पाखंड झूठ धोखा चोरी ठगी इन सब में से अगर एक भी मैल है मानसिक पटल पर तो ऐसे मनुष्य को रामचरितमानस कहने का अधिकार नहीं है। और ऐसा पता है कि समाज के अंदर पूरे धरती पर एक भी मनुष्य नहीं है। यही मुख्य कारण है कि मानसिक पटल पर मैल होने के कारण कोई भी मनुष्य गुरु के रूप में जो बैठे हुए हैं वो श्रद्धालुओं का मानसिक पटल पवित्र नहीं कर पा रहे। जो गृहस्थ लोग हैं वो तो काम क्रोध लोग घमंड जलन ममता से तो जुड़े हुए हैं, और जब एक तरफ भी शुद्धि नहीं है तो आगे तो कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए जितना भी धरती पर धर्म का व्यवस्था चल रहा है वह शून्य है, शून्य नहीं बल्कि शून्य से बहुत नीचे जा चुका है, शून्य तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग यहां पर अनुभव करके बाड़ी चरित्र हर माध्यम से देख रहे हैं, जन परम चेतना की जागृति के लिए यह परम आवश्यक है कि इस बात को संसार जगत महसूस करे और यह लोभ के वश में होकर लाखों लाखों रुपया लेकर के जो प्रवचन का नौटंकी हो रहा है यथाशीघ्र खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसका कोई तात्पर्य नहीं है। कल आप लोग साधु चरित्र के बारे में जाने, लग रहा है कि धरती के समाज में एक कोई है वैसा नहीं है भाई। कलयुग बा
ठीक बा कलयुग बा, लेकिन बाबा जी बन के मत ठगोना। कहे कि बड़ा श्रद्धा और विश्वास की जगह होती है ना, तो अगर अंतःकरण में कुछ चल रहा है तो सफा सफा बताए, ऐसा क्यों? मन मलिन रहेगा तो क्या करेगी? आज आप लोग भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की आरती कर रहे थे, उस समय प्रेरणा प्राप्त हुई कि जो हमारे श्रद्धालु भक्त है इनको यह बात अवश्य चित्त में बैठा दिया जाए कि माता पार्वती आप लोगों का पूजा और श्रद्धा तभी स्वीकार करेंगी जब संसार जगत के प्रत्येक नारी वर्ग को मात्र श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखेंगे, यहाँ तक कि अपने पत्नी तक को, पत्नी समेत, पत्नी यदि माँ बन चुकी है तो पत्नी समेत संसार जगत के समस्त माँ बहन बेटी को जब श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति देखेगा उसी की पूजा माता पार्वती स्वीकार करेगी, अन्यथा किसी का नहीं। यह बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। यही विश्वास जो अपने अंतःकरण में स्थित कर लेगा, ठीक वही शंकर जी का सच्चा सेवक हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं, अन्यथा कोई नहीं। माताओं के समाज में आप लोग देखें, आदर्श नारी धर्म है, जहां पर कहीं आवश्यकता ही नहीं है उनको अलग से प्रवचन करने का। जो कोई भी भेषधारी माताओं की सभा में प्रवचन देने का कार्यक्रम कर रहा है वह मात्र एक दंभी हो सकता है, वह संत नहीं हो सकता। जैसा कि आप देखें कि प्रभु स्वतः दिव्य शरीर धारण करके श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, लेकिन माता अनुसुईया श्री राम जी से मिलने के लिए नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पति हमारे राम। तो क्या ये सब जितना संसार जगत में चल रहा है ये सब माता अनुसुईया जी के नन्ना है? जब एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है कि उनको पति के चरणों में ही प्रेम से मात्र मुक्ति मिलती है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। चारों वेद इस बात को कहते हैं, माता अनुसुईया कहती है, माता पार्वती कहती है, तो क्या यहाँ पर कोई पांचवा वेद आ गया है? चारों वेद का खंडन है क्या है? जो वेद का खंडन करने वाले लोग हैं वो सब मरे हुए, मरे हुए नहीं जिंदा लाश की तरह है, श्रुति और संत विरोधी लोग। तो देखे आज राम कथा तभी शुरू करेंगे, इतना दिन से पूजा कर रहे हैं मंदिर बनवा के तो बता रहे हैं, या विश्वास अंदर धारण करें, है ना? क्यों स्थान भी दे देते हैं, जब माता भवानी पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि लोग गए, सप्तऋषि लोग पहुंचे थे, तो जानते हैं थोड़ा भोजपुरी में बोल देता ही भाई, कहन की बतावे आप क्या करबू, शंकर जी तो कामदेव के जराय देहेन, कोहे रहे मना करे रहे, इतना तपस्या का कर लू, अब मुझे क्या फल मिली? तब बोली मुस्काय भवानी, तू माता जी मुस्कुरा के बोलते बच्ची लोग तोके सबके क्या लगा था, शंकर जी अभी तक भोगी रहे हमरे जाने सदा शिव योगी। हम तो यह जानते कि भगवान भोलेनाथ हमेशा से योगी। अरे तन्नी बुढ़ी का मुंह हो गल बीरबल भाई, कहे कि यहाँ सब लोग विवाह कर रहे तो उनका एक क्या बात रहला खाली, सब ऋषि लोग एकदम ठंडा हो गए। तब उन कहता है कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पी तुमार, संपूर्ण संसार जगत की आप लोग माता पिता है, क्षमा करें, ठीक। तो
जितनी भी नारी वर्ग है सब माता पार्वती के अंश है। यदि इनको भी आप इनके अंश को ही नहीं श्रद्धा स्वरूप देख सकते हैं तो फिर मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तक नहीं है। प्रेरणा देव देखो होता ही घबराए मत की बात ठीक ना ठीक। तो भाई पावर ले अब क्या करें अभी कलयुगा वहीं पे निकलेगी बाप भाई। तो सीधी सीधी बात है, क्या समझते हैं शंकराचार्य काम करने के लायक है क्या? ये सब कुछ नहीं है, लोभ से सब लोग ग्रसित हो गए हैं, मोह ने सबके मस्तिष्क को जकड़ रखा है, समाज में पूरे धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं है जहां जहां बना देता है ये पूछ वो गलवा है वैसे जो है एक भी व्यक्ति नहीं है जो झूठ का त्याग कर सके। और कक्षाचार्य के भा उपदेश बा कि साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा, और झूठ भी छोड़े के कोई तैयार नहीं बा। अब धीरे धीरे लोग छोड़त है ठीक। तो कल आप देखें कि ये एकदम सरल भाव बा, तनको जो है अलग से कहे कि जब बतेबे कि ये न हर चीज से भरे बात क्या मरा तू सब कहे कहता है। अरे कहत ना भाई सच बोला शुरू न करबे तो पापी घोषित कर दे कितुआ के जो न गुरु। और जान लीजिए कि जितना पंथ चल रहा है धरती पर सब वेद मार्ग से विलग हो करके तो सब झूठे हो गए और प्रमाणित हो चुका है वो तो ठीक ना। तो कल जो है संत समाज की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। अब आज कथा आगे को प्रारंभ करते हैं और एक कथा नहीं है श्री राम जी का विमल यश है ना। तो विमल यश कैसे बना रहा बीरबल भाई? जब निष्काम भाव से चरित्र करेंगे पूरे जीवन भर जन्म से लेके अंत तक, थोड़ा भी अगर सकाम भाव हुआ तो विमल यश नहीं प्राप्त हो सकता है। भरत जी लगे रोवे, भैया क्या करी हम हर तो रहे तो हमें जिता दे, इतना प्रेम करने वाले हम चलाए है ना। प्रभु का चरित्र देखेंगे तो सीधी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया है ना नाथ। आज स्थिति है कि बस ठगी, अरे बाबू जी बन के ठगवे सीधे दब दिखाता सफा सफा कुछो खाली एक ढोके के रहे। और अगर कोई प्रेम से लिया तो दूर रोटी खा जाए तो पत्ता उत्ता खा के कहीं पड़ा रहो। कहे कि संत बीट पसरी तागिरी धरणी अपरहित लागी सबन कै करनी। महसूस करे धनंजय भाई शांत पेड़ देखो वृक्ष नहीं बोला था पेड़ बोला था सीधे पेड़ जाना था अमुवक है। सरिता माने नदी, गिरी माने पर्वत और धरनी माने पृथ्वी माई समझे। ये पांचों खाली दूसरे के उपकार बदे बोले तो चार जने तो आज भी अपने मर्यादा में बैठ पेड़ कुछ मांगा ला नहीं ने गंगा जी जाले तो कुछ मांगा नहीं, पहाड़ तोड़ तोड़ पटिया लिया के घर बनाया हुआ है कुछ कह ले और धरती माई इतना अन्न उपजाओ लेन मांगा लेन दू रोटी। इसलिए सीधा सीधा बताओ संत के इतना हुआ चाहिए ने। तो यदि परम कल्याण के अलावा आप तो एकदम जानना ही संत अनंत समाना जिकरे पास इच्छा का भी जगह न हो, अगर स्वतः के लिए कुछ इच्छा है तो संत का हुए अंत मने अंत ने बीरबल भाई। तो अगर इच्छा बा तो वह संत की व्यवस्था नहीं बा, क्योंकि बिना अहम के इच्छा हो नहीं सकती।
अब कलयुग के प्रभाव से जितना भी 200-400 साल में ये सब निकले हैं, सब के सब जो वहीं थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो लगे प्रवचन करने, कुछ नहीं। सबसे नीचे की जो अवस्था है संत की, संसार जगत का कोई भी व्यक्ति करीब में बैठ जाए तो उसका मन वाणी और शरीर तीनों से परम कल्याण के अलावा आपको इच्छा रखने के लिए जगह पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। ये सबसे सरल माने एकरे नीचे कुछ नहीं कर सकते। अगर इच्छा लिया दिले कि कोई एक रोरी गुड़ लिया हुआ एक गिलास पानी तो खत्म, ठीक न। यही से तो विधि हरि हरे कवि कोविद बानी कहते साधु महिमा सकुचानी। ये सब भगवान शंकर जी बोलत है, उन्हीं के बड़ी बारे यही माध्यम से ब्रह्मा जी विष्णु जी भगवान भोलेनाथ कवि और विद्वान कवि इनकी वाणी भी संत की महिमा कहने में संकोच करती है। कौन महिमा बाप हुआ दूसरे के मेहरारू से स्वामी कहवा देता है? हाय हनुमान जी सेवक और दूसरे स्वामी, कौन महिमा बा? बिना मांगे धन फरार कर देता है, ये महिमा बा? शंकर जी तुम्हें तरफ कभी देखो करिए एक समझे बदे, ठीक ने। तो अब दोहा नंबर 3 पर आकर रुके थे। ये सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान शंकर जी की रचना है। शंकर जी के बाहू के पैदा हो गलवा ढेर सारा पंथ निकाल दिले, नाम करे के बा चेला बनावे के बा आश्रम बनावे के बा, ये सब कामना है, यह संत का कार्य नहीं है, यह दंभी लोग करते हैं। दंभ के इच्छा लोभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं बिचारी। दंभ दंभ के दो चीजी के बल मिला लाभा, इच्छा और लोभ के। तो है जितना पंथ धरती पे चल रहा है यह इच्छा और लोभी लोग करते हैं, ये संत नहीं करते। काम के केवल नारी वासना के लिए खाली माया रूपी नारी ही, श्रद्धा स्वरूप नहीं। पहले के मेरारू को देखबे तो भवा वो सर पर से जो हो पल्लू न हटे, लेकिन आज जो है कि माया रूपी व्यवस्था ठीक। तो काम वासना की उत्पत्ति केवल नारी से ही होती है और माया रूपी नारी से। माता गौरी के मंदिर में जी हैं, ये माई माई हमारा कल्याण हो जाए, माई हाई स्कूल पास हो जाए माई, तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दे, ठीक ना। और बाहर यहाँ जब अपने बहन बिटिया के देखिए तो मन तुरंत बदल गया, तो ये ठीक बात नहीं बने। और क्रोध के लिए मात्र कठोर बाणी का ही बल है। यदि पूरे धरती पर आईएस है गुस्सा करल है तो तू गुस्सा का नौकर है, कोनो मतलब नहीं बा। बाबा जी बहन ठोक देता है, कोनो भाई अगर पैर छूप दे गई पैसा नहीं देता है उसे ही ना, ये सब क्या है। तो कोई बात नहीं, अब पवित्र भाव से यही भाव बैठाइए विश्वास कि संसार जगत की समस्त माता बहन बेटी यह मात्र श्रद्धा और सम्मान के लिए है। शेर जानल है बीरबल भाई, वह अपने पूरे जीवन में मात्र एक बार मैथुन क्रिया करता है। कामी लोग मातक का बलात्कार कर रहे हैं, अरे पुत्र हो गया वो माँ है, उसके बाद स्थान वेद नहीं देता है। पुत्र भाव हो तो आप पत्नी को श्रद्धा से लगा सकते हैं, नियम है, लेकिन आज लोगों ने वासना की वस्तु बना लिया है।
यह सब व्यतिक्रम है, इसको वापस आप लोगों को प्रेरणा मिले तो आगे करें। यह बिल्कुल सरल भाव में बताया जा रहा है, ठीक ना? कहे कि माँ माने माँ होता है भाई, बिटिया रहीन मेरारू बनीन, अब माई बन गई, कितना जल्दी जल्दी बीतोता ने, अब एक गुल्ली डंडा खिलाता तब से कब बढ़ा कब नन्ना बन गई ले। जवन बन जा तो प्रेम मर्यादा का पालन करो। हाँ, तो कल यहीं पर रुके थे हम लोग कि संत सरल चित जगत हित अज्ञानी स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के लिए हितकारी होते हैं। सरल हृदय मतलब कपट न रही तब ने, कपट रही तो कहाँ से बताओल जा, आप लोग कहीं से चल रहे हैं मुहाने बताओ, हुआ लालच रही तो कपट हुई कि न हुई है। संत सरल हृदय यानी कपट रहित होते। कपट क्यों? एक थे व्यवस्था बा जहाँ लोग श्रद्धा लेके जाले तो महाराज रास्ता दिए, अगर महाराजा कपट के चाकू रखे बैद तो कपटे जाई ने। और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रेम प्रदान करें। तो कहते हैं भाई संत की वंदना की ये तो अच्छी बात है, अब दुष्टों की वंदना करने जा रहे हैं। संत लोग तो आशीर्वाद दिए, अब दुष्ट के वंदना। हाँ, तो दुष्ट के वंदना करवा तो कौन आशीर्वाद दी है? जान से कायबले करते है कि देखे भगवान निवेदन करता ही, कम से कम लिखा जाता ही कुछ जो तो उसमें अड़ंगा मत डाले, उतने आशीर्वाद का दी है। तो बहुरी बांदी खल गन सती भाए अजे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। कहते अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना करता। संत कह सच्चे भाव से नहीं कहे, लेकिन दुष्ट का वंदना करते मुझे कहता ना भाई, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। लिखी बात कहीं क्या लिखत है फेंक दी है, समस्या हुई है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो बिना प्रयोजन के जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, जो बिना प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। आज खल लोग बहुत बाय, जेकर अच्छा करबो वह बुराई करी, तो ऐसा जे भी मनई हो ओके समझ ले कि खल बा। ई जो है मनुष्य और पशु भी रही बा, खल बा, जे की उपकार करे के बाद में अपने पीछे चाकू घोपे या तो पीठ पीछे बुराई करे, चुगल खोरी। हाँ, ई सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य बा। और कहते हैं कि परही तेरहानि लाभ जिन के रे उजरे हरस विषाद बसेरे। कहते हैं दूसरों की हानि, दूसरे के कैसे नुकसान पहुंचे वह खल बदे जो ना लाभ होला, उन अपन पूरा जीवन यही में बितावल कि दूसरा कैसे परेशान हो याने? और कोई किसी का घर उजड़ गया तो उनको बहुत खुशी मिलती है, और अगर बस गया तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक न? ऐसा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र करे तो आप
मनुष्य का शरीर देखते हुए भी उसे राक्षस जाने। क्या जानेंगे बीरबल भाई? पक्का पक्का शंकर जी बता देता है। और हरिहर जस राकेश राहु से पर काज भट्ट सहस बाहु से। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए अब भोलेनाथ मुक्ति का कार्य देते हैं निष्काम भाव से, तो इनको पवित्र यश प्राप्त है, ठीक ना? विष्णु जी बिल्कुल जो है पूर्ण वैराग्यवान है, सबका सेवा देते हैं लेकिन किसी की लालसा नहीं रखते, मतलब किसी से लालसा नहीं रखते। तो यदि उनका पवित्र यश चंद्रमा है तो उसके लिए खल लोग राहु के समान है। राहु के राहु चंद्रमा को ग्रस लेते हैं और कल्याण होगा, कल्याण। कहते हैं कि जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु, एक राक्षस रहा परशुराम जी के माता जी के साथ छिड़कानी करे रहा, कहते हैं दूसरे का बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है, ठीक ना? और जे पर दोषी लखही सहसाखी अपरहित घृत जिनके मन माखी। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, अभी देखेंगे ऐसे लोग आएंगे इधर कि अरे तो गुरु ऐसे कहता है चले इनके पकड़ जाए कोनो कहीं से कमी पावे बस मुरे रहो। दूसरे के दोषों को विजय भाई हजार आंखों से देखते हैं और अगर किसी का हित हो रहा हो तो हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जिनका मन मक्खी के समान है। यहां आने के पहले तो गेत घर रहे, गेत घर के पहले राम घाट पर रहे, राम घाट पर आए अग्रवाल जी टोपी भाई, वो चाहते थे कि हम वही विद्यालय में रह करके श्री राम कथा बारिश के मौसम में कहें। कोई कबीर मठ का एक था जाके मक्खी की तरह गिर गया वही और आके यहाँ भी चुगलखोरी किया, तो समझ में आ जाता है। कोई यह न समझे कि हम जो चरित्र कर रहे हैं उसका पता हाँ, क्योंकि जब बाड़ी जाती है तो लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कपट है, अगर ये रहेंगे तो फिर जो है दुकानदारी बंद हो जाएगी, दुकानदारी बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि लोग बोल दिए भाई कि तू काकरा इले। अरे भाई तो कहे कि भाई अगर यहाँ रहे पे कोनो समस्या बात चला जाए प्रभु आए ठीक। और कहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके घी खराब कर देती है, न मक्खी कोनो घी में गिर जाए कबर रहे दबे के प्रयोग नहीं करे के बाद, और गिरती वो स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपने आप को नष्ट कर देंगे लेकिन बिगाड़ देंगे, ऐसे होते हैं खल। बहुत लोग देखते नहीं है। और उसके बाद कैसे खतरनाक लोग हैं और आज ऐसे धरती पटी हुई है। और कहते हैं कि तेज कृषानु रोष महिषेशा अघय व गुण धन धनी धनेशा। ऐसे लोग जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप है,
माने जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होते हैं, ऐसे लोग जो बाणी बोलते हैं ना, ऐसा बोला लेन कि सूल लग जाए, ऐसा आप लोग अनुभव करे हो गए कि बाड़ी बोली है वो प्रेम से कुछो बातों के साधारण बात रही तो ऐसा बोली है कि हृदय में छेद कर दे। तो ऐसा जितना लोग बहन उन्हें राक्षस जाने, खाली क्या जाने राक्षस, वो जो है वो सुधरे वाले नहीं बाय, वो सुधरे वाले हाँ, लेकिन अगर आ गए कोनो प्रकार से तो ना हो कहीं जी गुरु जी, जी गुरु जी। लेकिन मिटही न मली न स्वभाव अभंगू, और उनका क्रोध होता है वो यमराज के समान होता है, लगता है कि बस खत्म ही कर देंगे। और अघय अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण में वो कुबेर के समान धनी होते हैं, माने उनके पास पाप और अवगुण का भंडार भरा होता है। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकरण सम सोअतनी के। कहते अगर ये लोग की जो बढ़ती है वो सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकरण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। और आज जितने भी पंथधारी हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। विश्व के परम कल्याण के लिए पूरा सफा सफा घोषणा कर देता हूं, ठीक है, इच्छा का अंत करने के लिए प्रयास बहुत लोग किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बाणी भी दिए हैं, लेकिन इच्छा का अंत न होने के कारण और जो नाम की कामना है इसके लिए कोई बोल के चला गया कि ममता नहीं समाप्त होती है, दब जाती है और समाप्त नहीं होती है। कोई बोल दिया कि न तो मैं मरा न तो माया मरी, ऐसे बाड़ी दे के चले गए, समझ रहे हैं, ऐसी बाड़ी दे के चले गए और करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनको लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनके नाम पर आश्रम बनाए जा रहे हैं, ठग लोग बैठाए जा रहे हैं, जबकि भगवान भोलेनाथ की बाड़ी है कि योग अग्नि तव प्रगट करी, अकर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। विरक्त हुए नहीं, योगी हुए नहीं, और चाहिए क्या योग अग्नि, योग अग्नि प्रकट करके जितने कर्म किए हैं जन्म से लेके अब तक, वही कर्म जो है इसी शरीर के द्वारा शंकर जी के कृपा से हो चुका है, तब जा करके जो ममता रूपी मल होता है वह नष्ट हो जाता। तो यदि आप नहीं कर पाए तो बता देना चाहिए कि यहां तक कर पाए बेटा, इसके आगे नहीं हो पाया, झूठ को डाल करके चले गए कि यहां पर ऐसा होता ही नहीं, और करोड़ों करोड़ों का जनमानस जो है, तो अगर संत कोई भूल करता है तो वह सबसे नीच खल होगा, क्योंकि संत के द्वारा कभी भी अनुचित बाणी, माने जो अनुचित का अर्थ यहां पर क्या है कि जो बाणी सत्य नहीं है वह बाणी देने की आवश्यकता नहीं, तो नहीं कर पाए तो आज सब पाखंड क्यों, क्योंकि सब लोग यही समझ करके बस उसी में लगे हुए, घर में पत्नी का नहीं झेल पाते, आश्रम में जा करके चुगलखोरी करके काम कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो क्या है, वेश्यालय बना रखा है लोगों ने, यही ना है। हाँ साफ साफ बात है, इनकी बाड़ी कट जाए इनको गला काट लिया जा सकता है, क्या है ये सब,
क्योंकि अभी भाई देखिए जो भी यह शरीर है वो मैं हूं नहीं भाई। आप लोगों से बार बार विनती करता हूं, सब कुछ दिया जा चुका है। और रही बात की जो सत्य है इसको आज जनमानस समझे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक हल के चरित्र में आ रहे हैं। अगर कोई पागल गलती करता है तो चला जाता है कि चला भाई पागल रहा कर दिया। ऊंच निवास नीच कर तूती, संत का चोंगा पहन करके निकृष्ट भाषा का प्रयोग। और कहते हैं कि आप भगवान के जो है अनुयायी है, उनका माध्यम है, उनको पहुंचा देंगे, यही है। कहते हैं कि पर काजू लगी तनु परिहरही, अजिमी हिम उपल कृषि दली गरही। कहते हैं दूसरे को बाधा करने के लिए ये अपना शरीर भी नाश कर देते हैं। मर गए ना सब, और अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, और शंकर जी की मर्यादा नाश करके गए हैं। जितने भी पंथ चल रहे हैं धरती पर, या तो जो है देश का राजा तुरंत पंथधारियों को बुलाकर इकट्ठा करे, या तो लोग अपने आप को सिद्ध करें, नहीं तो बस सीधे क्षमा मांग करके आदर्श मानव धर्म की स्थापना हो, लोग स्वस्थ शांत और पवित्र जीवन भी तो जी सकते हैं ना। नहीं कि खाली कपट। आप लोग विचार कर ले, बाबूजी कपटी देशियाला खोल के रजिस्ट्रेशन दे रखे है। किसने कहा कि ये सब जरूरी है? कलयुग का प्रभाव है। ध्यान दीजिएगा, ये मात्र जन परम चेतना की जागृति के लिए बाड़ी जा रही है, इसमें कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। क्यों इतना बुद्धि नहीं है? भगवान शंकर जी की साफ साफ बाड़ी है भाई। अगर संत का चुंगा पहनते सीधा सीधा, आप समझ ले बंधु भाई, सीधा सीधा आपका जो है कि जो समाज है इसके राजा को एक लाइन लिखना होगा कि बिना विरक्ति के संत का कोई चोगा नहीं पहन सकता। कर सकता है तो करे, नहीं तो सिद्ध करे वो, नहीं तो ऐसे में बेस्याओं का भड़ुआ बन के लोग काम कर रहे हैं। क्या है ये सब? कलयुग है, कलयुग है तो क्या खोपड़ी में पेचकस पिलास लेके कनेक्शन फिट कर रहा है? इतना नहीं समझ में आ रहा है? ड्रामा करने के लिए आया है धरती पर? पूरे ब्रह्मांड इस समय धरती विनाश के कगार पर है। पूरा पेपर के माध्यम से बताया जा चुका है, जनमानस को जागृत किया जा रहा है, भाई संभलो जागो, ऐसे नहीं होता है। ठीक ना? तो कहते हैं कैसे शरीर को गला देते हैं दूसरे को आकाश करने के लिए। जैसे भुआ ओला, वो पड़ा ला वो गल जला, लेकिन खेती तो नाश हो ही जाता। जैसे अपने शरीर गला देला ओला, लेकिन खेती का नाश। यह ना विजय भाई, खेती करो वे उनमें ओला जाना लेने अक्सर वह जो है कि आलू के समय में देखे समझे के बाद बा साधारण बा। और कहते हैं कि बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई पर दोसा। कहते हैं कि मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराए दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। भगवान शंकर जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का ये सब खंडन किए हैं। संत कहेंगे, पंथ को पकड़ेंगे, इतने निकृष्ट व्यवस्थाएं कलयुग के भाड़े के नौकर रहे हैं सब के सब, जितने पंथधारी है सब के सब। क्योंकि मन को निर्मल अवस्था में रख करके बाड़ी जो निकल रही है
यह मात्र विश्व के परम कल्याण के लिए है। अगर नहीं है कोई, अगर कोई है एक व्यक्ति, तो इस शरीर का गला काटा जा सकता है उसी क्षण, प्रमाणित करना होगा पॉलीग्राफ टेस्ट दे करके। क्या संबंध रखे, वासना बह रहा है, जेल हो रहा है, सब क्या ड्रामा है। एक लाइन अगर संविधान में लागू कर दे राजा, तुरंत बात खत्म। सब बेचारे गरीबों का धन लेकर के क्या है सब, किला पे रहना है, गाड़ी से घूमना, संत का कार्य है। इसे कहते हैं दम्भी। दम्भ माने होता है झूठा मानव धन। जिस रास्ते पे आदमी चलता तो है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं, बस खाली जय गुरुदेव जय गुरुदेव ड्रामा करते हैं। ठीक, तो पुनि प्रणव पृथु राज समान पर अघ सुनई सहस दस काना। कहते पुनः राजा पृथु थे, ओ भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कितने? 10,000 कान, पृथु महाराज। तो कहते हैं कि मैं उनको राजा पृथु के समान जान करके प्रणाम करता हूं भाई। और यहां प्रणाम ना हुई, यहां सीधा अपना गलती स्वीकारो, तुम्हें देश का राजा आकर के तुरंत ये बात के क्षमा याचना करके तुरंत संविधान बनाओ। अगर नहीं करता है तो उखाड़ के फेंके कभी व्यवस्था बा। राजा है निर्धारित करो, बेस्या का बड़ुआ या राजा, सफा सफा बात बा। ये बेस्या वृत्ति नहीं है तो क्या है, है? शादी तू उसमें कर, स्वामी दूसरा। यहां कोई बन सकता है धरती पर तो मात्र भगवान का सच्चा सेवक, और वह स्थान मिला हनुमान जी को, है न बतावे स्वामी राक्षस है कि स्वामी है। ऐसे ही जो चोरी भी सिखावत हुई है उन्होंने के सब उस्ताद कहत हुई है ने राक्षसों के उस्ताद है सब, राक्षसों के उस्ताद है। क्योंकि अगर भक्तों को आप सच मार्ग नहीं दे पा रहे, सब बोलते हैं कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होती है, राक्षस की यह बाड़ी है। क्योंकि भगवान शंकर जी की बाड़ी क्या है जान ले, इभवा बातचीत होता का बाड़ी बा कि जो न तरे भव सागर नर समाजी अस पाई, सोकृत निंदक मंद मती आत्मा हने गति जाए। जो भी जीव मनुष्य का शरीर और समाज पाकर भव सागर को पार नहीं कर पाता है, वह मात्र क्या है, कृतघ्न, उपकार न मानने वाला। बड़े भाग मानुष चल पावा, भगवान के भाग से शरीर मिला और तुम इसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाए तो उपकार को कहां माने। निंदक, वो वास्तव में निंदनी है और मंदमती है, उसकी बुद्धि औसत के नीचे है। और ऐसे लोगों को आत्महत्या करने वाली की गति प्राप्त होती, यानी धरती पर जितने पंथ चले हैं उस पंथ चलाने वाले अध्यक्ष इस कैटेगरी में आते हैं। अलग से अगर चलाए, नाम करना था तभी ने आए, शंकर जी के बाबू बने के रहा तब ने, तो करे है तो तुझसे जानो और पूरा जनता जानो, और राजा के पास ताकत हो तो सामने आओ पूरा अध्यक्ष के साथ। कितना पंथ चला है, 50 से 10-20 हजार जनता के ले ले, बैठो एक घंटा, बैठो एक घंटा के अंदर पूरी बात सफा सफा हो जाए, करे चाहते हो नहीं तो जनता का खाली खून पिए वाला। तुम्हारा निकृष्ट अगर राक्षस है तो वह तू राजा हो बे। गया था नोटिस, वो गौ माँ की रक्षा के लिए बता दिया गया, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया गया था कि ये पूरे ब्रह्मांड की माँ है। और ध्यान दे, एक प्रश्न आई
कि महाराज रामचरित मानस कहता तो ये सब काहे को होता है, कुछ नहीं कहतो नहीं भाई, कि पूरा 2025 तक उखाड़ के फेंक करके आदर्श मानव धर्म के रक्षा करके तब वापस चला जाओ। भगवान भोलेनाथ कहावत है, कोई के अगर दिक्कत हो तो भोलेनाथ से कहो। बिना भगवान के प्रेरणा से कहो भाई राजा राम भाई, बिना भगवान के प्रेरणा से कुछ नहीं होता है। तो कहिए महाराज हमने क्या गलती करे, वो में तो भगवान के प्रेरणा रहा हमको, हाँ वो में रहा, अब प्रेरणा आगे तास नाश हो वो प्रेरणा हो। ठीक न, काहे बदे क्या कि भक्तन के साथ खिलवाड़ करे की जगह, भक्त लोग मुक्ति छोड़ करके भगवान का सेवक बन के धरती पे रहते हैं और सेवक के साथ छेड़खानी, राजा बन के गुरु बन के कबे कलयुग, कलयुग से युद्ध है बच्ची, कलयुग बस वही ठिना रहो जेकरे बुद्धि में सोना शराब जुआ और वेश्यावृत्ति हो, पछवा जगह टांग बनी तो गोल काट के छोड़ दे और कब तक खत्मो कर दे, जवान चाहत जात उसे सब हो जाइए सब है। कहे कि शंकर जी के बहुत बढ़िया कृपा बाब है, तो ये जो है प्रेरणा के लिए है, इस वाणी पर विचार कर लिया जाए, क्योंकि अगर कर्म करेंगे सुरफुड़का का तो आपको सीतापुड़ो कहा जाएगा। अब समझ ले इंटरनेट के माध्यम बहू कंप्यूटर वाला, यानी लड़की लोग अपने माई बहू का अपमान करके अपने से अपन पति ढूंढता इन भाई। अब वो ज्ञान के कारण वा वो सब राम चरित मानस में सब बताए भाई कि ऐसी बच्चियां जो अपने से अपनी पति को ढूंढती है, कोई भी पिता कभी न चाहे कि हमारी बच्ची गलत हाथ में जाए, सोच सकला लेकिन नहीं, कौन है तू जन्म देवक का अधिकारी, हमें कर्म का अधिकारी नहीं, हम अपने से ढूंढो। ऐसी सभी की सभी बच्चियां सुरफुड़का का स्वरूप है और दूसरा नहीं, तो स्थिति है ठीक। तो ये लोग जो कहते हैं कि राजा पृथु के समान, इनकी वंदना करता हूं दुष्टों का, क्यों कि ये लोग 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, उनके बस एक पकड़ में आवे की चाहिए, हाँ 10,000 कान लगा दिए ओकरे बदे। और बहुरी साक्रे सम बिनवते ही असंतत सुरानी कहित जे ही। और कहते फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनती करता हूं, इंद्र के समान जो देवताओं का राजा है, देवताओं का राजा है। और तुझे क्या कहला इंद्र भगवान, जो देवताओं का मात्र राजा है बड़ा लालची है। जब नारद जी बहन है भगवान नारद जी तपस्या करता था, इंद्र लगा लाल उड़ रहा है कहीं हमारे सिंह आसन न ले ले, लालची बने नहीं। तो कहते हैं कि इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको मदिरा हितकारी मालूम होती है। तो जितना भी मदिरा पान करने वाले व्यक्ति है वे मात्र राक्षस हो सकते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते, ना तो पशु तक नहीं हो सकते, ध्यान दे। ये शंकर जी की बाड़ी है भाई, ठीक। अगर शंकर जी का इच्छा हुई कोई आके काटू दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, वो नहीं की इच्छा से सब होता भाई। क्या करवे, मदिरा और मांस ये राक्षसों का भोजन है। तो कहते हैं इंद्र के लिए जो देवताओं की सेना है, समझ रहे हैं, इंद्र के लिए भी सुरानीक यानी देवताओं की सेना हितकारी है। देवताओं की सेना जो देवता लोग होते हैं वो कम भोगी नहीं है भाई। देखो तब है बैठ करके अश्विनी कुमार जी नाक में अच्छा अच्छा महक ले दे तैयार है, आंख पर निमी महाराज, ऐसे ऐसे कान में जो है ब्रह्मा की जो है एक दासी है श्रावणी, वो सब बैठ के ना
वो सब आनंद लेते हैं। अब कहाँ गए भैया? अच्छा ओमकार भाई, क्योंकि जो आवाज लगल है बढ़िया बढ़िया संगीत वाला न, ओकर आनंद उन्होंने लेते हैं और तुके फसावत है, कहल कि नहीं सुनित गुरु ते मजा नहीं आवत, पूरा है मौत। तो वह जो राग है ठीक न, रूप है, इसका आनंद लेते हैं देवता लोग और फंस जाता है जीव। हाँ इसीलिए कहते हैं इंद्रिय निग्रह होना। हाँ और ये जो खल लोग होते हैं भाई, वो बाणी ऐसा बोलिए जैसा वज्र, ऐसा कभी कभी विजय भाई ऐसा कभी कभी बाणी मिला ला मैं वज्र के समान। तो जो भी वज्र के समान बाणी दे ठीक न, चिंता मत करे, माता जी पर ही संकेत बा, लेकिन सब जाना था। तो बचन वज्र जेही सदा पियारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर बचन रूपी वज्र हमेशा प्यारा लगता है, कुछ लोग के देखते हैं वो प्रेम से बोल ही नहीं सकते, हमेशा कुछ न कुछ पिंगला तरह बोलिए न, ऐसा कोई बात बीरबल भाई कोई दिखाता ऐसा दुनिया में बहुत लोग न? तो जे ऐसा बा वो खाली राक्षस होला ठीक, और राक्षस भाई भी अगर चाहे उन्होंने कहते राक्षस भाई, अगर राक्षस भाई भी चाहे तो ये सब नौटंकी छोड़ के शाकाहारी बन के सत्य के धारण करके मनुष्य बन सक ले ठीक न। तेमे का बा चावल दाल रोटी सब्जी सलाद अचार पापड़ घी खाने इनमें नहीं ठीक लगाता, मनुष्य बन सकते हैं। कोई भी जो मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति राक्षस का जीवन जी सकता है, पशु का जीवन जी सकता है, मनुष्य का जीवन जी सकता है, पुरुष का जीवन जी सकता है, महापुरुष का जीवन जी सकता है, क्यों नहीं, सबका आधार है। जिस आधार को बुद्धि में बैठा लेंगे वैसा जीवन जी सकते। तो राक्षस का जीवन अगर सबके अच्छा लगता तो राक्षस बाया तो बाया शरीर देख करके कोई थोड़ो कि दाढ़ी बार बना लिया तो बाबा जी बै, गांजा पिया था तो गजेड़ी बै खाली कि बाबा जी की थुआ गए, यह न ठीक न। तो बंधु भाई राम कथा चली न, लेकिन जैसे बोला था उसे लगा था चली ठीक न, सही इतना जान ले जब भगा देगा तो भाग जाओ। अरे जब बदिया कुछ सही से ही बताइए तो देखो तो मैं तो कहते हैं कि जो लोग कठोर, जिनके लिए कठोर बाड़ी वज्र के समान प्यारा लगता है, मैंने कड़ुआ ना बोलिए तो ना अच्छा लगी ना कि मजा नहीं यार है। और कहते हैं जो हजार आंखों से दूसरे को दोषों को देखते ठीक, इसलिए कहते हैं भाई कि उदासी नयरिमित हित सुनत जरहि खलरी जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत। कहते हैं दुष्टों की ऐसी रीति है कि वे चाहे मित्र हो, खास मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, तीन में से कोई भी हो, किसी का भी अगर हित सुनते हैं वो तो बढ़ा तो वो जल जालेन भाई, अपने मित्र के शत्रु के और जो उदासीन बा और यहाँ से जो ना फड़का हुआ तान गुरु है फिर भी संगी समझे यार, कहे कि भोलेनाथ के सब संगियों हैं और भोलेनाथ का हुआ था इनकी बच्ची अब जितना कर ले ले अब आ जा भक्ति में आ जा कुल गाजा पिया कहिए फलवा ये ने। तो भाई ओके समझ के प्रेम से समझ ले ठीक।
तो कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति है कि मित्र शत्रु और उदासीन तीनक है, यहाँ परम हित बदे बा चौथा परम हित जो अच्छा चाहता कल्याण चाहता ओके तो नौ जले चाहिए भाई, ठीक न। कहते यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर ऐसे लोगों को प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। तो तुलसीदास जी इतना बड़ा सम्मान जो है दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, फिर क्या बताते हैं, लक्ष्मण जी की तरफ पिड़का रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही है ना कि मैं अपनी दिसी किननी होरा अतिन निज ओर न लाऊब भोरा। कहते हम तो उनको बहुत विनती किए हैं लेकिन मैं जानता हूँ अपनी ओर से चूकेंगे नहीं, ठीक ना, चूकेंगे नहीं। और बड़ा परेशान किए हैं तुलसीदास जी को, ये लिखते समय बहुत परेशान किए हैं। क्यों उदाहरण देते हैं क्यों नहीं चूकेंगे, क्योंकि बायस पलियो ही अति अनुराग हो ही निरामिष कबहू की कागा। बायस माने कौआ भाई, कौआ जानल ने काव काव जोन करो ले, एने कितनों प्रेम से पालन करबे लेकिन मांस खाए कभी छोड़ नहीं सकते। तो लोग कहेंगे कि तू हमें कौआ कहते है, चले बताई ला अकेले रहल है तो कोई बात नहीं, क्या बताइए शंकर जी रहे साथे में, चिंता मत करो, ठीक। और कहते हैं कि बंदाऊ संत असजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। कहते अब एक बार संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं लेकिन दोनों दुख देते हैं, दुख ओमकार भाई दोनों दुख देता है। तो कहे गुरु तो उसे तो दुख ना ही बा कि बा लेकिन कहता दोनों देते हैं लेकिन कैसे समझ जा। अब बिछुरत एक प्राण हरि ले ही मिलत एक दुख दारुण दे ही। जब संत लोग बिछड़ने लगते हैं ना तो लगता है प्राण ही चला जा रहा और एक मिलते हैं जीवन भर दुख देते हैं तो ठीक है। तो अब यही कड़ी है, जब तक शरीर है भवा एकदम आनंद जो है मैं मग्न रहो। और रही बात कि इतना व्यवस्था दे दे कि हमेशा तू साथ में रह सकल है, एहन चेलो न बनैया हमेशा साथ में रहू ली है उबान भक्ति में। पहले ही बताया ना कि कैसे रहे हमेशा साथ में। और कहते हैं कि उपजही एक संग जग माही जलज जो कजिमी गुण बिलगाही। कहते हैं संत और असंत संसार में एक साथ ही पैदा होते हैं, नहीं ऐसा नहीं बाकी अब संत खाली पैदा रहे और संतो बहन है, एक साथ ही पैदा होते हैं। और वैसे ही तालाब में, तालाब थोड़ा बना के बताओ तो पोखरी में, पोखरी जनल है नहाए है, नहाए है कभी, अरे वाह जंगिया पहन के कदन की कमल वही तालाब में कमल और जोक की तरह
उनके गुण अलग अलग होते हैं। कैसे कि सुधा सुरा समय साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। कमल के दिखवे तब वो अच्छा लगी, छूबे तब वो अच्छा लगी, लेकिन जोक भी तो वही रहल ने जो भैसिया के पकड़ा ला भाई कहते हैं उसका शरीर का स्पर्श पाते ही वो रक्त चूसने लगता है। ऐसे ही बोले असंत लोग। अब सोच लीजिए कि आज अवस्था है कि राजा तक यह कार्य कर रहा है, नहीं राजा तक यह कार्य, राजा गुरु सबके सब घरे में मेहरारू ठीका कर में गांजा पिए से कितना फायदा हुई ये बताओ है। जौन भाई देखो गांजा वाले भाई लोग बहन उन्हों ऐसे जाल ले, अब भाई कोई के बिच्छी मार दे हुए ठीक, और ऊपर से बुखार भी हो और उनमें शराब भी ले हुए, तो ये कौन दवाई बाप है? मेरारू से परेशान, गुरु से परेशान, राजा से परेशान, ओकरे ऊपर से गांजा पी गए तो परेशानी और बढ़वे करी ने। तो वही कहते हैं साधु अमृत के समान माने मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं। जब आप लोगों के अनुभव हो जाए कि जीव तो अविनाशी बा तो फिर मृत्यु का भय खत्म। तो संत तो उबारने वाले होते हैं और असंत यानी वही खल लो मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता ये तीनों उत्पन्न करने वाले होते। और कहते हैं कि दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। माने शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई, तो उत्पन्न एक ही है और उनके गुण अलग अलग है। तो अगर यह बात समझ में आ जाए कि मनुष्य के शरीर से जब इतना बढ़िया बढ़िया जीवन जिया जा सकता है, फिर राक्षस शरीर बा मनुष्य का जीवन राक्षस का जीवे है, ते में ठगात आया कि बुद्धि बा ठगाता है। तुझे कहता ठगाता बवा वो बढ़िया जोनों की ये कहता हम कहता है गुरुजी ठगाता है। तो अब जो ना कि जितना तार संगी बहन सबके बता रहे वो आप मत करो, कलयुग अब कलयुग जो है ना कलयुग एक पहचाना हुआ चोर हो भाई। शरीर इतना बढ़िया मिला बात तो उसे एक मनुष्य का तो जीवन जी ठीक ना, ये नहीं कहता साधु मत बने भाई, ब्याह करे अंतिम सांस तक निभावो ये न, लेकिन पवित्र बन के मनुष्य बन के तो ओकर आनंद कुछ और हुई ठीक। और कहते हैं कि भले अन भल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति। कहते भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार अच्छी करनी करेंगे तो सुंदर यश और खराब करेंगे तो अपयश कलंक लगलन है। तो अच्छा काम करबे तो अच्छा यश हुई, तो अच्छा काम अगर निष्काम रही तब अच्छा काम हुई, अगर लालच में अच्छा काम कभी नहीं हो सकत। अगर नाम करे के बाद चिल्ला बनाओ के बाद पूजा लेवे के बाद यो सब करबे तो अच्छा यश न हुई ठीक न। और यहाँ देखो सब लालच के बस में होके काम करो तो। और कहते हैं कि सुधा सुधा करे सुर सरी साधु। बड़ा अच्छा प्रसंग है कि समझो भाई, सुधा सुधा करे सुर सरी साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु।
अगुन अवगुन जानत सब कोई, जो जेही भाव नीक तेही सोई। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु चार हो गए। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, ठीक इसी का उल्टा। अमृत का उल्टा विष, चंद्रमा शीतल होता है तो इसका उल्टा अग्नि, और गंगा का उल्टा हो, गंगा जी का उल्टा हो गया कर्मनाशा, जो पाप की नदी कही गई है। और साधु की जगह हिंसा करने वाला व्याध, जो हिंसा करता है, काटता पीटता है, या जो किसी को, ध्यान दीजिए जब बात सफा सफा हो रहा है तो ओमकार भाई, जो भी व्यक्ति मन में किसी का गलत सोचता है, बाड़ी से किसी को प्रहार करता है और शरीर से किसी का हिंसा करता है, वो सब के सब व्याध है। इसलिए आप लोग अपने मानसिक पटल में स्थिर कर ले कि मन से किसी का गलत सोचना ही नहीं, ऐसी बाणी बोलनी ही नहीं है जिससे कि किसी सज्जन को तकलीफ हो। अब भाई जे दुष्ट लोग बा उन्हें तो अच्छा न लगी, कह के उन्हें अनुभव हो जाए कि अब दुकान बंद हुआ वाला आएगा बा, ठीक न। और शरीर से भी किसी को कष्ट न हो, तो शाकाहारी रहे तब ने ठीक। और कहते हैं ऐसा नहीं है, इन सबके गुण अवगुण सब जानते हैं। कौन नहीं जानता कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, सब जानते ना, लेकिन जिसको जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। क्या तू क्या कहे वाला, हम अपने मर्जी के मालिक। अरे का सही बात, मर्जी के मालिक कहा बाया, मन का नौकर बाया कि मालिक बाया, जब समझ में आवा था तो वो जो कहता है कि मर्जी के मालिक, वो भ्रम बस ई नहीं कह पावा था कि हम अपने मन का नौकर है मरा। अरे यार मन का मालिक बने जे नौकर बनवे तो नौकरन के कहा सुख मिलला, मिस्त्री भाई बहन का ही है जेटवा को ढोल जुड़ला नहीं ने। तो ये बतावे जे नौकरी करता हमेशा दिन रात जो नौकरी बजाओ तो उसके सुख मिली कभी, तो मन का नौकर नहीं मन का मालिक बनो। और कहते हैं कि भलो भलाई पैलहई अल्लाही नीचाई नीच, असुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जनता को ही ग्रहण करते हैं और नीच लोग नीचता ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना होती है अमर करने में और विष की भी सराहना होती है मारने के लिए। कहले गुरु इतना बढ़िया पोटेशियम साइनाइड बाकी बस जीप पे रखता जय सीधा, ठीक ना, उसकी भी सराहना बड़ा तगड़ा बा, ठीक। तो यह सब मनुष्य का शरीर है, नाथ मनुष्य के शरीर से आदमी मुक्ति तक जा सकता है। अगर मुक्त नहीं हुआ तो सब जो है मनुष्य का जीवन खत्म, खराब, मतलब कोई अर्थ ही नहीं। जो बड़े भाग से ईश्वर की कृपा से यह शरीर मिला वो आप बिल्कुल व्यर्थ का गवा दिए, ठग लिए गए कलयुग के द्वारा। जो सच्चे सेवक होते वो ठगाते नहीं, कहे कहते बस जितना समझे रहे वह गलत रहा, अब खुल गए ने उखर ही विमल विलोचन ही अके, वही दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। खुला था बंधु भाई, ठीक तो क्या खोल ले कि आपका जी। तो कहते हैं
कि खल अघ अगुन साधु गुन गा उभय अपारे उदधि अवगा। कहते ही जो दुष्ट लोग होते हैं वो पाप और अवगुण का खान हो ले, नहीं दुष्ट लोग पाप और अवगुण का खान हो ले, और साधु लोग गुणों की, मतलब साधु के पास अवगुण होता ही नहीं। साधु के पास जब साधु को वैसे आके रुक गा बा कि पर उपकार बचन मन काया, ओकरे नीचे आवे के जगह, तो अवगुण कहाँ से आई? है ने? तो देख ले ऐसा कोई बात तब तो भवा साधु बा, अगर नहीं बा क्या करवे जौन बात देखते भाई। एक व्यवस्था धरती पर हो तो फिर मौन हो जाइए, ये पूरा एकदम खुला हुआ अवसर बा भाई, ठीक ने? कहे गुरु दुकान बंद कराई देवे, अरे 50-50 लाख रुपया सब रिश्वत तक भेज चुका बहन, गुंडा भेज देगे बहन, कौनो प्रकार से इन माने और इन माने वाला बहन नहीं, नहीं। शंकर जी कहता तू चिंता क्या करता हम भाई ने बैठा, ठीक ने? और कहते हैं कि भाई इन दोनों की जो कथाएं हैं, अब देखा तो भाई साधु का कितना बड़ा चरित्र बा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तक जो है संकोच करता है कहे ने। तो इन लोगों की कथाएं अपार हैं, अथाह हैं, ठीक ने? साधु लोग कहाँ तक जो है जो अनंत हो गया ने, जो अनंत वृद्धि में है तो फिर अथाह हो गया ने। और कहते हैं कि ते ही ते कछु गुण दोष बखाने असंग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। कहते ये सब तो अथाह है, इनके गुण दोष कुछ बता दिए, क्योंकि कौन सा गुण रखना है कौन सा त्यागना है ये बिना पहचाने कोई निश्चित नहीं कर पाता है ना। ये गुरु के लालची नहीं बा, तो कब नहीं गुरु एक जने बा है। अब एक ही मिलल है तो जब तक ऐसा एक उदाहरण नहीं रहेगा लोग सीखेंगे नहीं। ठीक, तो कहते हैं ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले बुरे जो भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इन सभी को ब्रह्मा जी ही पैदा किए हुए हैं, ये अलग से कोई नहीं है, और उनके गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। देखिए वेद का यह कार्य है कि भैया यह गुण है यह दोष है, यदि आप हमारे अनुसार चलना चाहते हैं तो गुणों को धारण करेंगे तो साधु बनेंगे और गुणों को धारण करेंगे तो राक्षस, दोनों को मिला देंगे तो कुछ नहीं, बीच में रहेंगे डूब जाएंगे, यही ना? और ध्यान दीजिएगा कि कहीं वेद इति हास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सान के बनाई गई है। तो भाई अगर जो साधु हो, अब सना बाभा है अकेले अकेले नहीं बा, यह चना में अगर कोनो मिट्टी रहे तो अलग अलग निकालू सकल है, अभी स निकाह बा, अगर साधु बना चाहता है सना में से सब जो है अवगुण निकाले के बाद तो सोच ले, यही से जो साधु का अवस्था है हाँ दुर्लभ हो जाता ना। और कहते हैं
ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रह्मांड है चल रहा है, इसमें हर चीज दो ठो बना दिया गया है, नहीं? क्या क्या है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरुणीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचु। यह बहुत आवश्यक है, इसको आप लोग चित्त में स्थिर करें। यह तीन लाइन और पढ़ के तब इसको समझाएंगे अच्छे से कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरिक्रम नाशा, मरु मारव मही देव गवाशा, सरग नरक अनु राग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। अच्छे से चित्त में बैठा ले भाई कि दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य। इतनी जो व्यवस्था है यह ब्रह्मा के सृष्टि में है। यह क्या है? ब्रह्मा की सृष्टि में है और इनके बाहर निकलना है नाथ, माने इतने से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, ब्रह्मा जी लिख रहे हैं भवा कि 40वें साल में इनका ब्याह हुई जरूर, 2 करोड़ रुपया दे करके दहेज लोग जो है कोशिश करें, तो हम ब्रह्मा की निकाल के फेंक दें, हम कराए दे बाहर, चार आश्रम के छोड़ दे। तो कहे कि एक जगह ब्रह्मा के इतने इतना व्यवस्था बा, एक प्रपंच से बाहर कब आई बे जानत है? जब चारों आश्रम का त्याग कर देवे तो, और जब भगवान भोलेनाथ के शरणागत हो गई दे, ठीक ना? तब जितना पाप पूर्ण बा, पूर्ण नहीं खाली पाप, वो तो तुरंत कट जाए। जैसे कि आप लोग जान गता है कि श्री राम जी के बाड़ी बा भाई कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। तो देखो जौन जौन फल बा शरीर से बता देते थोड़े से में, जौने क्षण मन बाड़ी और कर्म से श्री राम जी का कोई सेवक बन जाला, वही क्षण करोड़ों जन्म का पाप तो नाश कर दे ले। लेकिन भाई एक जगह उन्हों का ताकत नहीं बा, रामो जी का ताकत नहीं बा, वो पूर्ण कोई का नहीं कर सकते, पूर्ण
ना ही काट सके। तो बीरबल भाई ध्यान दे भाई, पूर्ण करे भाई तो हर जगह से तुके लोग अच्छा मनवे करी है, है ना। इनका करे केन पूर्ण के फलो छोड़ दे हैं, पाप होन कट जाए, पाप अगर कुछ रहा हुई भूल चूक से तो कटेगा, और पूरे का फल भी न चाहिए। जय श्री राम। कोनो सुख भोगे के इच्छा नहीं तो मजा आएगा नहीं। तो ये प्रकार से जौन व्यवस्था बा, एक समझो कहे कि बड़ा बारीक बा, बहुत समय तक जो है जौन कुछ चला ये शरीर के साथ ही। अब ओकर वर्णन करे की जरूरत नहीं बा, बस इतना बता देता है कि पूरे प्रभु भी नहीं काट पाते भाई, पूर्ण किए तो उसका फल लीजिए। तो शुभ अशुभ जितना कर्म रहा जो कही जाना है सबको जला करके, जितना कर्म हुआ जो कुछ भी अब उससे लेना देना नहीं, यह पक्का पक्का मात्र भक्तों के कल्याण के लिए शरीर है, इसके अलावा दूसरा इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। तो कहते हैं कि वेद और शास्त्र उनके गुणों और दोषों का विभाग कर दिए हैं, गुण और दोष का। तब गुण और दोष दोनों से लेवे देवे के नहीं। तो जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व किन करतार, असंत हंस गुण गही पय परिहरी बारी विकार। अब देखा जाए ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय रचा है, गुण भी है दोष भी है, किंतु जो संत रूपी हंस होते हैं वो दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते। इसका तात्पर्य यह हुआ, जैसा कल भी आप देखे कि जो रूई का फल देखे होंगे तो उसमें एक भी काला तंतु नहीं होता है, कोई नहीं। सब सफेद हैं। इसी प्रकार से साधु मात्र जो है सद्गुणों का भंडार होना चाहिए, उनके अंदर अवगुण का कहीं जगह नहीं है। तो तात्पर्य साफ साफ है कि जितने भी दंभी लोग यह पुस्तक छपवा चुके हैं कि भक्तों सिर्फ गुरु के सद्गुणों पर जाओ, उनके दुर्गुणों को मत देखो, ऐसे सभी के सभी निकृष्ट जीव है जो कि वास्तव में पशु और पापमय है और मात्र कलयुग में मनुष्य का शरीर धारण किए हुए यह ने। और इतना समझ आता है वह बाबा जी है तो एकदम पवित्र हो चाहिए कि मन में कपट रखबा तो बात कहाँ ठीक बा जी, समझ में बात आई। तो इसलिए ये लोग अपना समझ लें कि ये सब जो कार्यक्रम किए हैं ये सब जो है नौटंकी तुरंत बंद करके आराम से यार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्यों? अरे मन पवित्र करिए, एक दूसरे का कल्याण करने का बुद्धि उपजाइए, अरे दूसरे के ठगे बने बाबा जी बन के बैठा भाई कि कब जो है कि कोनो आवे पैसा दे तो गाजा मंगाई। कौन नाटक बा भाई, नहीं एकदम नहीं। तो ई विवेक के देला आप लोगों से कह रहे ने कि बाबा जेकर विष्णु जी का चित्त हो, ब्रह्मा जी का बुद्धि हो और शंकर जी का सत्य हो, वह तो देखे गुरु के गद्दी पे बैठे के लायक बाना। अगर इनमें मिलावट बांटन को तब कहाँ से आए, कहे कि गुरु मिलावटी ना होना चाहिए ना, तो गुरु है मिलावटी बन यही से न जितना संसार जगत में इसमें वृत्ति बना बा हर जगह लालच और कपट, कहे कि गुरु है क्या से शुरू होला, तो गुरु है लालच कपट में बन तो फिर जो साधारण के अंदर जो कहते हैं कि कल्याणकारी बुद्धि कहाँ से आई, जब जहाँ से प्रवाह जैसन हुई। तो देखो ये ब्रह्मा जी का बुद्धि बा, कहते हैं कि यश समझ में आवा था बात, बीरबल भाई
कोनो समझे में दिक्कत तो नहीं बा साफ साफ समझा देनी सब मो कहां बात एक शब्द समझावा तो अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। देखिए जब समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि जब ऐसा माने हंस सा विवेक ब्रह्मा जी देते हैं, कोई राक्षस नहीं दे सकता। ये जो है जब अस विवेक जब दे विधाता ब्रह्मा जी देते हैं, जिनके पास करोड़ों करोड़ सरस्वती है, वो सरस्वती के ही पिता है, जितनी सरस्वती है सबके वो पिता है। तो कहते हैं कि जब ऐसी बात मिलेगी तभी तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त तो होता। कि भाई क्या कर भाई, जितना बात तो में से जो सदगुण बा ओके धारण कर अवगुण का कर रखे ओके कोनो उते को नहीं तो उते सब खत्म कर दी ने। तो जब विधाता इस प्रकार का विवेक देते हैं तब लोग दोषों को छोड़कर मन को गुणों में अनुरक्त करते है। अब आप लोग भी करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। और कहते हैं कि काल सुभाऊ कर्म बरियाई भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। समय कहते ना कलयुग हमारा कोनो बात नहीं, यहाँ फिट फिट हो जाता कलयुग तो क्या बा जनते वह है पिजास और पेचकस। समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से जो भले लोग होते हैं जैसे आप लोग हैं, वे भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। माया के बस में होने के कारण कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। लेकिन जो भगवान के सेवक है वो क्या करेंगे कि सो सुधारी हरि जन जी मिले ही अदलि दुख दोष बिमल जसु देही। जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे सेवक है वो वैसे चूक को सुधार लेते हैं और दुख देने वाले दोषों को मिटाकर सद्गुणों को धारण करते हैं और निर्मल यश देते। भाई जब सद्गुण से परिपूर्ण हो जाइबे तो निष्काम सेवा देबे तो निर्मल यश अपने आप प्राप्त होई। लोग कह लेना है कि हमारे दादाजी थे भाई बिल्कुल जो है बिना दो घंटा सुबह रामचरितमानस का पाठ किए पानी तक नहीं ग्रहण कर देते, तो वही निर्मल यश है ना जो पवित्र यश होगा। तो जब गुण रहेगा तब तो ना पवित्र यश होगा कि वैसे ही ठीक। अब देखिए जो बात कहते हैं वो फिर यही आ रहा है कि खलऊ करही भल पाई सुसंग अमिटई न मलिने सुभाऊ अभंग। कहते हैं राक्षस लोग भी राक्षस रहिए लेकिन तब वो अपने आप के सज्जन दिखावे की कोशिश करी है, तो वो भी कभी कभी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, थोड़ा सा मिले की कोशिश कर लें, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं। नाथ मलिन हो गया ना बिल्कुल, माने जंग लग गया बाल्टू से कोस जाओ में जंग लग जाए। तो आप लोग खाली अगर जैसन व्यवस्था बा तो कसाल बा ढीला बा जौन भी बा जंग नहीं लगा बा तो जेकर जंग लग जाए ओकर ऊ तो जो है मिटी नहीं।
अब जब मिट जाए वो समझ ले कि वो थोड़ा सा जो हो कलयुग के प्रभाव से इधर उधर रहा, अब जो है ओकर कोनो जगह नहीं बा। तो बंधु भाई इतना तो हो जाए चाहिए ने। तो कहते हैं देखा भाई ये सब जो भेज देख करके इतना डांटा नाटक होता। तो कहते हैं कि लखी सुवेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजी अही तेऊ। जो बेसधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर, वेश भेष जो कहते ना वेश जो रूप बनाए हैं उसको देखकर उसी के प्रताप से जगत उनको पूजता है। लेकिन चिंता नहीं करे उघर ही अंत न होई निबाहू अकाल ने मिजिमी रावण राहू। चिंता न करे अंत तक उनका कपट चलता रही है। आज वो समय आ गया है, अब हो गया है। अब सीधी बात है कि जो भी आपका प्रधानमंत्री हो उसको खुला अवसर है, किया तो सभी पंथधारियों को लेकर सामने आए, नहीं तो अपने आप को बेस्या का भड़ुआ मत समझे, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह बाड़ी खुला हुआ पूरे विश्व को दे दिया जाए, मजाक बना रखे है, राजा बनते हैं, बहुत नाम कमाना है, मात्र जो है जनसाधारण का खून चूसने की व्यवस्था बना रखे है। क्यों बैठा है बेस्याओं को, क्यों पथ चल रहा है सब? राक्षस लोग जो है संभल जाओ, नहीं तो धरती का विनाश निश्चित है। और जिस नाम को चाहते हो कि यह नाम हमको मिलने वाला है, यह नाम नहीं मिलेगा, बल्कि इतिहास में लिख जाएगा कि वर्तमान धरती का नाश करने वाला रावण हो तुम, और हमेशा तुमको जलाया जाएगा। वेद का नीति पे बंधु भाई भगवान स्वतः राज किए हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, राजा दधीची हैं, दशरथ जी हैं, आज भी इनका नाम कितने सम्मान से लिया जाता है और हर जगह कपट विद्या। तो वही कहते हैं कि अब इनका अंत आ चुका है, कब तक चलेगा? हाँ जनता के अंदर मालूम होगा जी, कब बैठा है। तो कहते हैं कि ये हूँ कुबेशु साधु सन मानू जिमी जग जामवंत हनुमानु। कोई जरूरत नहीं है वेश धारण करने का, अगर साधु है सही साधु है तो अगर उनका वेश नहीं कुबेश भी हो जैसे ऋषराज जामवंत बानर राज हनुमान जी तो उनका भी सम्मान होता है। तो वेश के प्रताप से जब तक पूजा लेना था ले चुके, अब तुम्हारा दिन समाप्त, हाथ जोड़कर माफी मांग लो। अगर जनता छोड़ दे तो ठीक, नहीं तो जो है कि कुएं में बहुत सब यहाँ पर अड़ गए हैं ना, उनको गाड़ दिया जाएगा। नहीं तो ठीक ठीक तुम्हारा राजा भाई अगर ऐसा कर सकता है कि जहाँ विरक्ति नहीं वो उनका संत का चोंगा हटा लिया जाए, सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाए, अगर कर सकता है तो करे, नहीं तो बेस्या का भड़ुआ बन के बैठा रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको इससे ज्यादा जगह नहीं दिया जाएगा क्योंकि जनता का खून चूसने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रभु जब राज किए तो उसमें सीधा सीधा है कि मात्र एक छोटा सा भ्रम के लिए, जानते हैं श्री राम जी माया की ही सीता सही, लेकिन समाज के लिए तो दिखा दिए ना कि अपने पत्नी का भी त्याग कर दिए। आज जो है किस राज्य में ये सब माया रूपी नारी बैठती थी, आज खाली बस नारियों का जो है माया को हर जगह फैला दिया गया है। और शायद सुनने में आया कि वो राक्षस लोग जो है
जो मन बाड़ी कर्म से दासी थी उनको आजकल घर का मलकिन भी बनवा दिए है। ये सब ब्रह्मा बन है, ये सब राक्षसों का कार्य है, ये माया के भाड़े के नौकर है और कुछ नहीं यार। राजा बनते हैं और कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ रहा है, ये सब सिर्फ प्रेरणा के लिए है। अगर ताकत है तो प्रधानमंत्री सब नौटंकियों को लेकर तुरंत आए, कितना देर करेगा, क्योंकि उसकी कपट अब चलने वाली नहीं है। धरती पर मजाक समझ रखे है, धरती पर भेजा गया है पृथ्वी को संतुलित करने के लिए। मनुष्य ही एक शरीर ऐसा है जो कि समस्त ब्रह्मांड को संतुलित करके एक पवित्र जीवन दे सकता है। और राजा भी कपटी, गुरु भी कपटी, और कहते कलयुग है, कलयुग की ऐसी की तैसी। अरे जितना बुद्धि लगा है सोना शराब जुआ विश्राम में उतना ही रहो यार, बाहर टांग फैलाओगे तो काट के फेंक दिया जाएगा, ठीक ना। और जानिए कि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, अल्लो कहू वेद विदित सब काहू। भाई बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है। संसार में भी आप लोग जानते हैं कौन है वो खराब लड़का, उसके साथ मत रोल करे। और सब लोग इस चीज को जानते हैं। तो देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंग, की चही मिलही नीच जल संग। हवा के संग से, जैसे वो कहते हैं ना संग से ही जो है हानि और लाभ है, तो हवा के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच, नीच माने नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में जब मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। नहीं, अच्छा संग मिला तो आकाश में चली गई और नीच संग मिला तो कीचड़ बन गई। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरही राम देही गनिगारी। साधु के घर के जो तोता मैना होते हैं वो राम राम का सुमिरन करते हैं, और जो राक्षसों के घर भी, इनके भी घर जो है तोता मैना होते हैं और वो गिन गिन कर गालियां देते हैं, है ना। तो देखिए, जब संग का प्रभाव तोता मैना पे पड़ रहा है तो मनुष्य पे नहीं पड़ेगा। यह उदाहरण के लिए, इसलिए कोई भी खलों का साफ करने के लिए समाज में जगह जरूरत नहीं है। अधूम कुसंगति कारिख होई, लिखी पुराण मांजू मसी सोई। कते कुसंग के कारण धुआं कालिक हो जाता है और वही धुआं सुसंग से जब स्याही होकर तैयार होता है तो वही पुराण लिखने के काम में आता। और कहते हैं कि सोई जले अनल अनिल संघाता, अहोई जलद जग जीवन दाता। और वही धुआ जल और अग्नि तथा पवन के संग से जब बादल हो जाता है तो जगत को जीवन देने वाला वही मेघ, वही जो बरसाते हैं, तो वही धुआं जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। बड़ा अच्छा है, इसको
दोहा को समझिएगा। पांच चीजें, पांच ग्रह भेषज जल पवन पट अपाई कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग। ग्रह कहले ने कि अच्छा ग्रह नहीं चलो महाराज औषधि माने दवाई, पानी वायु और वस्त्र पांच ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते। देखिए कुसंग और सुसंग का प्रभाव इन पर भी पड़ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र जो चतुर और विचारशील विवेकी पुरुष है वे ही इस बात को जान पाते हैं, वे ही इस बात को जान पाते हैं। तो आज आप सब लोग चतुर बने, विवेकी बने और इस बात को जान ले, इसलिए क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब आज किसी को ना धरती पर न तो खाना रहना सोना डोलना बोलना कुछ भी नहीं आ रहा है, सब एकदम राक्षसी व्यवस्था हो गई ने, बस खाली ठगी आ रहा है। जब ज्ञान की बात करो ओम प्रकाश भाई ने गुरु ईश्वर छोड़ा खाली बताओ पैसा कैसे आई यह बात समाज भाव ही के ठीक ना। तो सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन अससि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। कहते हैं महीने में दो पखवाड़ा होला दे अनियरिया और उजरदिया, इसमें जो उजियाला होता है जो प्रकाश होता है वो दोनों पक्ष में बराबर होता है। मतलब ही पहले तो मतलब के जगह एक बात बता देते ही भाई जवान मतलब शब्द बा एक अब अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक दे, कहे कि जे बार बार मतलब शब्द कला वो बड़ा मतलबी होला तो ओकरे जगह तात्पर्य एक तात्पर्य का भैल। अब उजरिया पाख बा है न तो अपन रात में खातियत के बाय उजरिया बा ओकरे बाद अनेरिया हो ही जाला, रात भर तो रही न और जो अनेरिया बा उनमें वो भोर में निकली समझल न ते ओकर तोहरे बड़े कोनो उपयोग से बा नहीं है तो ओकर कोनो उपयोग लेकिन होला दोनों पक्ष में बराबर ही कम बेसी नहीं हो। और कहते हैं कि विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया, एक को उजरदिया और एक को अनियरिया, एक को शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष, एक और एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ गया, और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर एक को अच्छा यश मिला और दूसरे को अपयश दे दिया गया। कतन अनियरिया चली चलाता है में कोनो काम ना हो महाराज अनियार तो अपयश मिलल है जबकि दोनों में बराबर बात है। देखो यह बाप प्रपंच और इसीलिए कहते हैं भाई कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदौ सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहते जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम मैं जानकर
मैं उन सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता। आप लोग सीधे समझे, जो चीटी भी रंगत है ना, वो के अंदर रामा जी का वह तत्व बा, बिना वो तत्व के कोई सक्रिय नहीं हो सका। कितना बारीक बा, तो यही से कभी भी जो ना हिंसा का भाव न रख के चाहिए। अरे यहाँ तक कि जो है देखते हैं ना, साधु लोग तपस्या करते हैं तो पत्ती नहीं तोड़ते नाथ। हाँ, जो सूखा पड़ा बा वही से कुछ खा के सही रह जाले। हाँ, एकदम जो अहिंसा बने। हाँ, तो इतना सब जो है बेचारे मेहनत करते हैं, तू अपन बात छोड़ो नहीं, तू साधु नहीं है, तू गृहस्थ है, तू खाली निष्काम भाव ले आवे और भगवान के परम पद पावो। इतना सरल बा, और बढ़िया आलू गोभी के तरकारी टमाटर बना के खाते हैं, ये तोरे सबके बने बा। लेकिन यहाँ का बा, जब ये जीवन जीवे तो देखे एकदम बात बा भा, कि जो अब वहाँ जो हो इतना व्यवस्था बा, खाए पिए मस्त रहे, तब वो परम पद पावता है। लेकिन ये जीवन जिये कहोत, अगर एक इच्छा भी लेके अला तो वही इतना खत्म, तो इन्ना हो जाए नरक तोके मिली मुक्ति, समझ ले। संत का चोगापन मजाक समझ रखे लोग क्या। हर ही शिष्य धन शोक न हरही, अशो गुरु घोरे नरक महापरही। ऐसे गुरु घंटाल लोग घोर नरक में पड़ते हैं, समझे। एक भी नहीं है धरती पर, हो तो पूरा निकाल के लेके आइए आज के तिथि में, आज की तिथि में एक भी नहीं है। मजाक समझ रखे है, गुरु की कितनी बड़ी महत्ता होती है, ये सब क्या बना रखे हैं। इतना नहीं, जो ब्राह्मणों का निंदक होते हैं आज सभी करते हैं, आज जितने पंथधारी है वो सब राक्षसवर के सिखाए बैठ भाई कही है कि अरे पंडित लोग जो ना गैया के जो ना माई गौ माँ बना करके बड़ा ठगे बैन, अरे जंगली पशु हो, अब देखो था इन्होंने मांस खाए वाले बात, तो उन्होंने इजाज़ से बात शुरू, ठीक ना। तो यो जान ले, अद्विज निंदक बहु नरक भोग करी, अजग जनमय बायस शरीर धरी। वो बहुत कल्प तक नरक भोग के तब कौआ का शरीर मिली उन्हें सब है समझ ले। तो लोग नहीं समझता है तो क्या करवे, आज अभी भी बा, अभी अगर समझ जाइए तो उनका कल्याण बा। बस सोचो कोई का विरोध होता ही है, अभी भी कहते बच्ची समझ जा तो काम हो जाई, हाथ जोड़ के माफी मांग ले, नहीं तो यह जनता एक दिन वही इतना कुचल दे। जौने दिन जनता जागृत होकर वहां के रुके वाला बा, श्रद्धा विश्वास के कतल करवे, अपने आप से सिद्ध कर, कैसे ही सब ड्रामा, ठीक। तो कहते हैं कि देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों की नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। भैया बहुत ऐसा जीव बान की आंखी से नहीं दिखाते, ये आंखी से नहीं दिखाते बायन, आपके अगले बगल बहुत लोग बायन लेकिन दिखाई है नहीं। तो देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर, जो पितृ लोग है, गंधर्व किन्नर और निशाचर, गंधर्व किन्नर सब मिले थे किन्नर कैलाश पे। अच्छा। हाँ, लेकिन आप लोग उनको देख नहीं पाएंगे, हमको उठा उठा के ले जा रहे थे। हाँ, पहाड़ पे जो है, जब आप पूरा का पूरा सही कनेक्शन रखे रहोगे
तो हर जगह से सहायता मिली। अरे वो तो है एक जीव है हाँ, और किन्नर लोग गान करते हैं, जैसे देवता एक जीव होते हैं, देवता भी एक जीव होते हैं, और सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव है मनुष्य, जान लीजिए। सब जीवों में माने देवता से भी देवता लोगों को मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, समझ रहे हैं? देवता लोगों को मनुष्य का शरीर बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ऐसा सब ग्रंथ गाते हैं क्योंकि शरीर से मुक्ति मिल जाती है नाथ। देवता लोग तब पड़ा भाई, इतना बड़ा ये साधन है। तो वही कह रहा है कि गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब सब लोग मुझ पर कृपा करें। तो आगे बढ़े थोड़ा, त्वा कर चारी लाख चौरासी, अजाति जीव जल थल नभवासी, असिय राम मय सब जग जानी, करउ प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी माने हाथ, समझे? कहते हैं कि 84 लाख योनियों में चार प्रकार के जीव है, क्या? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। एक पसीना से पैदा होते हैं, एक अंडा से, और एक तो जो बीज से आम के कोशली बोध में, और एक बच्चा के रूप में, चार प्रकार से बाहर ने। कहते हैं ये जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को, ध्यान दे भाई साहब, बाड़ी ना निकले, आपस में बाड़ी ना निकले। कहते हैं मन बाड़ी कर्म, मन बुद्धि चित्त सब लगा के बैठिए ना, डांटता भी बड़ा तगड़ा हो जाए, दर नो डांटा भाई। कभी चिल्लर राय सुने भाई? जी, तो कहते हैं कि सबको सीता राम मैं जान करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। दरअसल किसी जीव का हत्या करने का नियम नहीं है ना, ये राक्षस लोग मत करते हैं, जान लीजिए, कहीं नियम नहीं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यह वेद का निचोड़ है अहिंसा, यह परम धर्म है ना। अब क्या है कि जब जीव समय चक्र में चलते चलते सूखा उखा पड़ा, कुछ नहीं मिला, ये मांसोस खाना शुरू कर दिया, तो एक अलग से जाति बना दी गई। अब भाई जो कुछ भी खा रहे उसी को तो लोग, उसी से तो हटेंगे ना, तो उसी को काटना शुरू कर दिए। लेकिन ये जो है कुछ नहीं, आप लोगों को तो यही वो क्या नाम है द्रोणाचार्य, अभी जो है इस समय आकर के एक नया भेद पैदा कर दिया कि मुस्लिम नहीं भाई, हम लोग एक ही है। अभी द्वापर में हाँ ये सब ऐसा उत्पत्ति हुआ है, आप लोग बाकी अपना देख लीजिएगा, क्योंकि सब एक ही है। मनुष्य माने मनुष्य की उसमें क्या, अब रही बात कि अंदर से सब लोग एक है, बाहर से जो मर्यादा बनाई गई है उसका पालन करके जिएंगे तो शांति और सुखमय होगा, और अलग से भेद करके जो कर देते हैं ना, अब जो जिसको मानने लगा तो ये कबीरपंथी, ये बुद्धा, ये यीशु, ये मुस्लिम, ऐसे थोड़ो है।
हाँ इतना जरूर है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कहे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भाई ये शरीर चलाना है तो मुख की भी जरूरत है, भुजा की भी जरूरत है, हृदय की भी जरूरत है और पैर की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए वह बनाया गया है। अब आज लोग आदर्श जो धर्म ग्रंथ है उसको मान ही नहीं रहे, अपना अपना पंथ निकाल के कहीं जीव ही जीव आहार, सब अपना बुद्धि लगाए हैं बुद्धि लगाए हैं, जबकि इतना साफ शब्दों में बताते हैं कि भाई जितना जने के जन्म के समय आग खुला रहा था उनमें से ऐसा एको जीव नहीं है जौन चलता फिरता जीव के खाए, तो इतना समझ लीजिए, दिमाग मत लगाओ भाई, बैठल है बाद में कुछ ठीक न, और वो अवस्था में यहाँ बैठो की जरूरत नहीं रहा ठीक। तो कहते हैं कि जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहू छाड़ी छल छोहू निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊ सब पाही। तुलसीदास जी बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा करें क्योंकि मुझे अपने बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है, ये है कवि की विनम्रता ठीक ना। कहते हैं कि मुझे अपने बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। वह एक जोन कहता है वह एक वह मनुष्य बा और कौन बा और अलावा कोई नहीं बा, यही एक जीव है जो कि जन बुद्धि मिला न प्रकृति के भाई उनमें सब राक्षसी दिशा में लेके चला गल सात्विक दिशा में नहीं। अब आप समझो अगर कोनो चीज के कटबे तो अंदर क्रूर भाव आई ने कि श्रद्धा आई तो कहते हैं कि करण चहु रघु पति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सुझन एक अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। कहते हैं मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है ना, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग यानी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा, तो सब लोग कृपा करो भाई ऐसा। और कहते मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल है, मन और बुद्धि कंगाल है और मनोरथ राजा है, करना चाहता है श्री राम जी के चरित्र का वर्णन और हमारे पास बुद्धि का बल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था देने के बाद भी कितना अपने आप को विनम्र भाव से बता रहे हैं ठीक न। तो भवा खाली संगी समझे भाई कोनो बाबा जी डाई बहन अलग से बस ऐसा संगी बहन जैसे कोनो अलग से कुछ लेवा लालच निस्वार। तो कहते हैं ध्यान दे कि मति अति नीच ऊंचि रुचि आछी चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी अछमी हहि सज्जन मोरी झिठाई सुनि हहि बाल बचन मन लाई। कहते मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है
और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। चाह अमृत की है और मंठा मंठा भी का व्यवस्था लिखा चाहती राम जी के चरित्र और बुद्धि के पास बल नहीं बा। तो कहते हैं सज्जन लोग भाई मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ठीक ना धनंजय भाई? ठीक ना। तो प्रेम पूर्वक सुनत है कि सोचत है गुरु कब खत्म करिए? भाई देखे पक्का पक्का बताया है। अगर मन में एक को छड़ आ गया, अगर थोड़ा भी लगा, माने कि अगर आप लोगों की लगा तो कि बात समझे में कुछ दिक्कत होता तो कहे कि थोड़ा सा इशारा भी कर देवे है ना, तो उस संकेत करके हम अगले आकर के यहाँ रोक ले। कहे कि समझा के बाद बा भागे के नहीं बा, कहे कि तब्बे भगिया जब भगावत जी दे यो आधार बा। ठीक ने? तो देख ले भाई तुरे छोटा लड़का उड़का बहन तीन तवे जब छोटे में तुतला के बोला लेन तो तू उनका बात सुन के बड़ा खुश हो ले ने। अरे यार लड़कवा बोले तो वही कह रहे हैं कि जो बालक कह तो तेरी बात और सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। कहते हैं बालक जब अपने तोतले बचन बोलता है तो माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं। बंधु बात हूँ सुने भाई, जब लड़कवा बोले रहा था अच्छा लगा ला, अरे वाह तब जो अच्छा बुरा रहा उसे निकले वो सब खींचे वाला भाई। लेकिन ऐसा बात बा कि अब देखो ये सब चला था ने, तो जो कुटिल लोग बहन राक्षस लोग तो लोग हंसेंगे कि हंसी हही कूरे कुटिले कुबिचारी अजे पर दूषण भूषण धारी। कहते जो क्रूर जो काटने वाला होता भाई उकर दिमाग में क्रूरता रहला और कहते कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को आभूषण के रूप में धारण करते रहते हैं, यानी जिनके लिए पराया दोष ही अच्छा लगता है कि कहाँ कमी पाई और कहाँ रगड़ी है ना, ऐसा लोग एक सुन के हंसी है कहीं है पगला गवान इतना पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ से जो लोग बीएचयू से पीएचडी करके अमेरिका जाके कुछ का माध्यमा नहीं बन यहाँ बैठ के ये सब का करता है, उन्होंने क्या अच्छा न लगी। लेकिन अब जे सज्जन लोग बा अब देखो ओके कही कि नहीं वो रहन है क्या नाम रहा चुन्नी लाल भाई, जब उनसे कहते कह नहीं गुरु चला दे पानी बसा दे मुन्नी लाल अब वो है भाई। तो कहते हैं कि निज कबीत के ही लागन निका सरस हो अथवायति फीका। चाहे रसीली हो चाहे अत्यंत फीकी हो लेकिन अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, कोई कुछ लिख दिया कहेगा अरे वाह बहुत अच्छा लिखे। ठीक ना? अपने को अपनी सब अच्छी लगती है। अजे पर भनिति सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जगनाही। किंतु जो दूसरे की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं है, माने बहुत कम होते हैं।
ध्यान दीजिएगा नाथ, हमेशा आप लोगों से ही कहते हैं कि भाई आप लोगों का परम कल्याण हो, जहाँ भी फंसे हैं बस मार्ग से निकल लीजिए। तो इस संसार के बारे में समझिएगा कि जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, असजन सकृति सिंधु सम कोई, अदेखी पूरे विधु बाढ़ई जोई। बहुत चौपाई है नाथ, आज पूर्णिमा भी है, आज भोलेनाथ की बड़ी विशेष प्रेरणा है कि इस बात को आप लोग अपने चित्त में धारण कर ले भाई कि जगत में इस संसार में तालाब और छिछली नदियों की तरह तो बहुत ज्यादा मनुष्य है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल मिला और बाढ़, थोड़ा सा धन आया और घमंड से भर गए, यानी अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते है। देखा मैंने दूसरे का उन्नति देख करके आँख फूट जाता है। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, परंतु समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, वो एक ही होता है नाथ, जो चंद्रमा को, पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, यानी ज्वार और भाटा आज के दिन आने लगते। जब चंद्रमा को बड़ा हुआ देखता है तो समुद्र के समान कोई एक ही होता है जो कि दूसरे को बड़ा हुआ देख करके प्रफुल्लित होता, और बाकी सब लोग जलने वाले। ठीक ना? तो ठीक है, यह बहुत अच्छा लाइन है, इसको समझिएगा। तो वैसे बनने की कोशिश करिए, दूसरे का उन्नति देखकर प्रसन्न होना सीखिए, दूसरे का कष्ट देख करके, माने ये समाज के लिए है, आप लोग तो कुछ नहीं, बस इतना है कि मात्र निष्काम सेवा दीजिए और भगवान को मात्र देखिए, अब किसी को देखने दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसे जीवन जीना चाहिए। दूसरे की उन्नति को देख के आप लोग देखे होंगे कि आज भी का एक कई समय से चल रहा है, कोई जो है टॉप किया, जैसे 12 जगह टॉप कर चुके हैं, टॉप माने एक नंबर के स्थान पे। तो अब रविशंकर जो है ऐसा पाए हैं 12 जगह एक नंबर का स्थान, तो भाई साहब मालूम है अब वहाँ पर इतनी जलन है, ले टॉप करे चला है, पार्टी दे। जबकि यह सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति एक नंबर के स्थान पर गया होगा वो कितना मेहनत किया होगा, तो उसके लिए लोगों को चाहिए कि अरे वाह आप टॉप किए हैं, चलिए आपको आज हमारी तरफ से जो है एक पार्टी, आपके जो है परिश्रम का, समझ रहे ना, लोगों को प्रेम करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज उल्टे टॉप करे हैं चला दे पार्टी ना, तो यही समझ लीजिए ये कितना उल्टा पुल्टा है ना। तो इसी सबको ठीक करिएगा, और यही एक दोहा बोल करके विराम देंगे कि भाग छोटे या बिलासु बड़ करऊ एक विश्वास, अपै हि सुख सुनि सुजन सब अखल करी हि उपहास। देखिए यह कथा जो चल रही है, कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ावे, यह निश्चित है ना। तो जो हंसी उड़ाए तो समझ लीजिए कि वो राक्षस होगा। क्या इसमें भाई किसी का कुछ भी नहीं लग रहा है, समझने की बात है, और इसको समझने से इतना बड़ा व्यवस्था है
कि आप राक्षस से पशु, पशु से मनुष्य, मनुष्य से पुरुष और पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। चमत्कार की बात करते तो यहाँ से बात करिए, मदाड़ी वालों की तरह, ये नहीं कि लड़का हुआ दिए, नौकरी लगवा दिए, यह सब ड्रामा, ये तो माया का कार्य है। यह न तो अगर किसी को ना, कुछ लोग पूछे थे कि महाराज आप इतना कहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो एक राक्षस को जो है महात्मा भी बना दिया जा सकता है भाई, सरल बात है। चाहेंगे नहीं, खाली धन चाहिए राक्षस को, कोई बात नहीं। राक्षस को तो वही चाहिए ना, भोग के लिए वस्तु दीजिए तो आप बड़का बाबा। अरे बड़का बाबा नहीं, राक्षस को बढ़ाने वाला महाराक्षस, ठीक न। तो कोई बात नहीं भाई, देखो मित्रोद्भाव में इन करो बाबा जी नहीं बहन, इन संगी बहन, ठीक न। तो बस इसी बाड़ी के साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अब बिरबल भाई सहित सभी भक्तों की जय, हर हर महादेव। हरि ओम। कहाँ से?